चौधरी साहब जो हमारे वरिष्ठ साथी है उपस्थित है और हमारे सभी सिपाह सालार शरीर अभिमन्यु जी ने बता दिया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे अनेक पत्ता साथी है इसलिए ज्यादा समय लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यह है अभी तक जो लड़ाई है वो पूरे ईमानदारी के साथ पूरे निष्ठा के साथ पूरे जोश खरोश के साथ नहीं शुरू हुई है, इसलिए आप लोग खुद नारा लगा रहे थे अभी तो नहीं लड़ाई है आगे तेज लड़ाई है। आगे कौन लड़ेगा? हम लड़ेगा। हाथ उठाइए जो लड़ेगा। हम लड़ेगा। मित्रों ये उपस्थित जन समुदाय नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए, उनके पास महाभारत की संज्ञा के तरह दूर दृष्टि है, अंबानी और अडानी की ताकत है, लेकिन हमारे पास हमारे मेहनत हमारे श्रम हमारे साथियों के खून पसीने की ताकत है, दोनों के बीच टकराव है। लेकिन मित्रों जैसा कि हमारे केंद्रीय संगठन के साथियों ने वहां कहा है कि मजदूर कभी हारता नहीं, मजदूर को हारने के लिए कुछ नहीं होता, हम सर्वहारा है, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, लेकिन वेज रिविजन हमारा अधिकार है, हम अधिकार को छोड़ना नहीं जानते, हम अधिकार को छोड़ना नहीं जानते, हम अधिकार लेके रहेंगे और कैसे लेंगे ये नरेंद्र मोदी जी को और मनोज सिन्हा जी को अपने दूरबीन वाले कैमरे से देखना चाहिए। ये सारे हिंदुस्तान से बीएसएनएल के कर्मचारी साथी खून पसीने को चलाते हुए और सड़क पर उतर रहे हैं, क्यों? क्या श्रद्धा हमारी 10 वर्षों तक काम करने के बाद हमारे तनख्वाह में 1 पैसे की वृद्धि न हो, ये कहां का न्याय है? हमारी कंपनी कहती है हम ये सुविधा देने के लिए तैयार है, सरकार कहती है नहीं तुम्हारी क्षमता नहीं है देने की, ये कहां का न्याय है? हमारे 70,000 टावर को हमारे धमनियों को काट कर हमसे आरत करने की जरूरत ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे 40-50 नौजवान हमारे बीएसएनएल में भर्ती है, उनके रिटायरमेंट पर बेनिफिट का जो प्रोविजन है सरकार का 30% उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए देना होगा, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। हमारे पेंशनर साथी जो 2 लाख की संख्या में है उनके पेंशन रिवीजन का फैसला नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों को रखते हुए हम चैन से कैसे सो सकते हैं, कैसे नींद आ सकते हैं हमारा? इसलिए मित्रों फिर से कटिबद्धता के साथ पूरे संकल्प के साथ ये पार्लियामेंट स्ट्रीट से हम निकलेंगे। कल मंत्री जी से बात होगी, मंत्री जी से क्या बात होगी हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। मंत्री जी कहेंगे जो सरकार ने कानून बनाया है, जो भारत के कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है उसके अनुसार आपको वेज रिविजन नहीं मिल रहा, सरकार ने ऑलरेडी टावर कंपनी बना दिया है वो आपके लाभ के लिए है, और इस तरह के लफ्जो लबाव करके आपकी एकता के बल पर हम मंत्री जी को फिर भी उधर लबाव देंगे। मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को लाल सलाम पेश करते हुए बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हुए आपको मुबारकबाद देते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक के साथी नॉर्थ ईस्ट से सुदूर पश्चिम तक के साथी आज ये सड़क पर बैठे हैं, देख लो मोदी जी, देख लो मनोज सिन्हा जी, और अभी भी अपने मस्तिष्क को ठीक करो अन्यथा बड़ा आने वाली है जिसको संभालना तुम्हें मुश्किल होगा। धन्यवाद मित्रों। मित्रों